रेस्टोरेंट में मिलने वाली काजू मशरूम ग्रेवी आप घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और गारंटी है रेस्टोरेंट भी जाना भूल जाएंगे और हमेशा घर पर ही बनाएंगे। और इसे हम घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से ही बनाएंगे तो भी ये बहुत ही टेस्टी बनती है। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कुकिंग विद विशा में। तो सबसे पहले मशरूम को हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, 3 से 4 टुकड़े कर लेंगे। अब कढ़ाई में तेल डालेंगे 2 बड़े चम्मच और इसमें मशरूम डालेंगे और इसे हमें फ्राई करना है। और ये मशरूम जब हम फ्राई करेंगे तो कुछ देर में ये पानी छोड़ देंगे क्योंकि इसमें काफ़ी पानी होता है, तो इसे हम हाई फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे जिससे कि इसका पानी सूख जाएगा और ये फ्राई हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं मशरूम ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया और ये देखें अब कितना पानी आ गया इसमें। तो इसे हम फ्लेम को हाई ही रखेंगे और बस इसे चलाते जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं मशरूम का पानी ख़त्म हो गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे काजू। काजू को भी हमें रोस्ट करना है और यहाँ पर हमने 15 से 20 काजू डाले हैं और हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे रोस्ट कर लेंगे। और अब इसमें 1 कप उबले हुए मटर डालेंगे, तो साथ ही इसे भी थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, भूनने से इसका स्वाद जो है और भी बढ़िया हो जाएगा और सब्ज़ी जो है आपकी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली बनेगी। और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो 2 मिनट तक तीनों चीज़ों को एक साथ फिर से भून लेना है। और देखिए अभी इसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा ये अच्छे से भून गए हैं, तो अब इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें ये पैन वापस से यूज़ करना है। तो बस इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसे हमें रफली चॉप कर लेना है, और 2 प्याज हम मीडियम साइज़ के लेंगे जिसे हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्च ली हैं तो इसे भी काट लेंगे। और अब हम एक पैन चढ़ा देंगे और उसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च और ये प्याज, और इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास के करीब पानी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें और इसे हम उबालेंगे। तो साथ ही इसमें मैं काजू भी डाल रही हूँ तो उसके साथ में ये भी बॉयल हो जाएगा। 4 से 5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर पका लेंगे जिससे कि प्याज जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। जब तक प्याज बॉयल होगी जब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसे हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसे मिक्सी से भी ग्राइंड कर सकते हैं और चाहें तो चॉपर से भी इसे एकदम बारीक चॉप कर लें। और इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना तो आप देखेंगे कि ग्रेवी कितनी ही टेस्टी बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। अब जो प्याज हमने उबलने रखी थी तो उसे भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गई है प्याज, थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। तो बस हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसको छन्नी में डालकर छान लेंगे और इसका जो पानी है सारा निकाल देंगे, अलग कर देंगे जिससे कि इसके प्याज की जो मिठास है वो भी निकल जाएगी। हम इस पानी का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम वापस से वो एक कढ़ाई चढ़ाएंगे जिसमें हमने फ्राई किया था मशरूम। तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे और साथ ही इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो मैं बता देती हूँ इसमें क्या मैं डाल रही हूँ। तो मैं इसमें 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, काली मिर्च थोड़ी सी, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता और 1 जावित्री। तो इन खड़े मसालों को भी हम तेल में डाल देंगे और थोड़ा सा भूंज लेंगे। और अब इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। तो 3 से 4 लहसुन की कली को बारीक चॉप कर लिया है तो इसे भी भूंज लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और इसका कच्चापन थोड़ा सा निकल जाएगा। साथ ही इसमें हम 2 बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। तो प्याज को भी एकदम बारीक बारीक चॉप करना है, तो आप चाहें तो चॉपर से भी इसको चॉप कर सकते हैं। अब प्याज को भी 3 से 4 मिनट तक भूंज लेंगे। तो प्याज को भूंजने के बाद ये जब थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, तब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 बड़े चम्मच। लहसुन को भी थोड़ा सा भूंज लीजिए जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। और प्याज अब अच्छी तरीके से भूंज गया है तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तो तीखा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ जो कि कलर के लिए है और ये तीखी नहीं होती है। अब सारे मसालों को अच्छी तरीके से भूंज लेना है। मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। तो टमाटर को आप चाहे तो चॉप करके भी डाल सकते हैं और चाहे तो
पीस कर भी डाल सकते हैं। टमाटर को भी अच्छी तरीके से कुक करना है तो इसे एकदम गलाना है, तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। पहले भी हमने मशरूम कुक करते समय थोड़ा सा नमक डाल दिया था, तो नमक थोड़ा ही डालें और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और अब इसे हम ढक कर के 5 मिनट तक पका लेंगे, जिससे कि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए, पक जाए। और बीच में इसे एक दो बार चलाना ना भूलें, तो इसे बीच बीच में चलाते भी रहें। तो अब जो हमने प्याज बॉयल करी थी तो वो भी ठंडी हो गई है, तो उसे हम डालेंगे ग्राइंडर जार में और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से। तो अब टमाटर भी चेक कर लेते हैं, और ये देखिए थोड़े टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम गल गए हैं, अच्छी तरीके से पक गए हैं। तो अब हम प्याज का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं जार को धो करके, क्योंकि इसमें काफ़ी मसाला चिपका है प्याज का, तो डाल देते हैं थोड़ा सा। अब गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखेंगे और इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो इसे हमें अभी ढकना नहीं है, इसे खोल कर ही हम पकाएंगे, जिससे कि प्याज जो हमने बॉयल करी हुई डाली है वैसे तो पकी है, पर क्या है कि इसका थोड़ा सा भी कच्चापन होगा ना तो वो भी निकल जाएगा। तो इसे हाई फ्लेम पर ही चलाकर हम भून लेंगे। इस तरीके से ग्रेवी का फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली बनेगी, बल्कि उससे भी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो एक बार आप इस तरीके से ये ग्रेवी बना करके ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इस ग्रेवी के साथ में आप कुछ भी बना सकते हैं, आप इसमें पनीर फ्राई करके डाल सकते हैं, मटर पनीर बना सकते हैं, गोभी फ्राई करके डाल सकते हैं, दम आलू भी बना सकते हैं, और बहुत ही रिच ग्रेवी बनकर तैयार होती है। तो अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच मलाई डाल रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। मेरे पास आज क्रीम नहीं थी, तो जो दूध में थोड़ी जो मलाई में क्रीम रहती है तो मैं वही डाल रही हूँ, तो साथ ही थोड़ी मलाई भी है इसमें। और जब हम मलाई डालेंगे तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देंगे, लो कर देंगे, और इसे चलाते हुए थोड़ा सा भूंज लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा है, और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि जब आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत ज़ोरों से भूख लगने वाली है। तो इसमें 1 चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर दीजिए इसी समय, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और साथ ही इसमें 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे, अच्छी तरीके से चला करके मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा बॉयल हो जाने दीजिए। और जैसे ही ग्रेवी बॉयल होने लगे आप उसमें मशरूम और मटर और काजू डाल दीजिए जो हमने फ्राई करे थे, और बस सारी चीज़ों को मिक्स करके पकने दें। 5 से 7 मिनट के लिए ढक दीजिए और गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और इसे कुक होने दें। और ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और सब्जियां हमारी अच्छे तरीके से कुक हो गई, और काफ़ी रिच ग्रेवी बनती है ये। तो इस ग्रेवी में आप चाहे जो बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इस ग्रेवी के आगे तो सारी रेस्टोरेंट की सब्जियाँ ही फैले, बस हरी धनिया से गार्निश करें और गर्मा गर्म सर्व करें। तो आप भी इस ग्रेवी को बना करके एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको पसंद है या नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि इसी तरह की और भी नई नई रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।